नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। खंड विकास अधिकारी कार्यालय सुमेरपुर में दिनांक 9/9/2023 को नव भारतीय किसान संगठन अराजनैतिक ब्लॉक कमेटी के माध्यम से निम्नलिखित 7 बिंदुओं पर मांग पत्र लेकर कई दर्जन पुरुष एवं महिलाएं ग्राम प्रधान मोहर रामलीला निषाद तथा तमाम ग्रामीण वहां पहुंचे, जहां पर उन्होंने आवारा पशुओं तथा नील गाय से किसानों की फसल में हो रहे नुकसान संबंधी नकली खाद एवं कीटनाशक दवाओं में रोकथाम लगाने के संबंध में ग्राम पंचायत अध्यक्ष सचिवों की मिली भगत से आवारा पशुओं का आश्रय की व्यवस्था न करने के संबंध में मनरेगा में गलत तरीके से भुगतान करने, अदरैया ग्राम प्रधान द्वारा गौशाला में पशु बंद न किए जाने के संबंध में मनरेगा में मशीनों के माध्यम से काम कराए जाने के संबंध में कोर्ट द्वारा खटतौली किए जाने के संबंध में 7 सूत्री मांग पत्र लेकर खंड विकास अधिकारी को देने के लिए पहुंचे। इस समस्या के निदान के लिए ब्लॉक अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी, राकेश वर्मा, राम बहादुर यादव, रामजीवन विनोद तिवारी, सुमन तिवारी, महेंद्र कुमार पाठक, मनोज कुमार अवस्थी, मूलचंद विश्वकर्मा उपस्थित रहे। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से अरविंद श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। जी भैया, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम विनोद कुमार तिवारी, नव भारत किसान संगठन का, मैं ब्लॉक अध्यक्ष सुमेरपुर का हूँ। आज आप यहाँ सुमेरपुर विकास खंड में बैठे हुए हैं। जी जी। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी 7 बिंदुओं की मांगे हैं। जी। आज दिनांक 9/9/23 को नव भारत किसान संगठन राजनीतिक की ब्लॉक कमेटी के माध्यम से नियमित मांग की जाती है, जो बिंदुवार अंकित है। पहला बिंदुवार है, ब्लॉक सुमेरपुर के समस्त ग्राम सभाओं में आवारा पशुओं तथा नील गाँव से किसानों की फसलों की सुरक्षा अति गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। आवारा पशु किसानों के मेहनत बर्बाद कर रहे हैं, जिससे गरीब किसान आत्महत्या को मजबूर हैं। अतः प्रत्येक ग्राम सभा के सचिवों को निर्देश दिए आवारा पशुओं को गौशाला में बंद करवाने के निर्देश दे तथा पशु चिकित्सक अधिकारी सुमेरपुर मौके पर जाकर पशुओं की गणना कर स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करें। दूसरा बिंदु है, ब्लॉक सुमेरपुर नकली खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाएं आदि की शिकायतें निरंतर आ रही हैं, इसकी जांच उप कृषि निदेशक से कराई जाए तथा जाँच उपरांत ठोस कार्रवाई की जाए। तीसरा बिंदु हमारा, ब्लॉक सुमेरपुर के समस्त ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान व सचिवों की मिली भगत से पत्रों को छोड़कर अपात्रों का आवास व पशु आश्रय का आवंटन किया जा रहा है, जिसकी 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर जांच की जाए व उपरांत विधिक कार्रवाई की जाए जो अनुच्छेद में धारा हो। चौथा बिंदु हमारा है, ब्लॉक सुमेरपुर के समस्त ग्राम सभाओं में प्रधानों द्वारा मनरेगा के तहत कराए जाने वाले कार्यों में अपनी गरीबी व रिश्तेदारों के खातों में फर्जी धन लगाए जाने की शिकायतें निरंतर आ रही हैं। यहाँ तक कि जो लोग बाहर हैं उनके खातों में पैसा लगाकर सरकार का धन लूट रहे हैं, जो अभी काम नहीं करते हैं, ऐसे भ्रष्टाचार के लिए प्रधानों पर कठोर कार्रवाई करें। पांचवा बिंदु हमारा है, ग्राम सभा अतरैया के प्रधान ग्राम पंचायत अध्यक्ष प्रधान ने अभी तक गौशाला में एक भी पशु नहीं बंद कराया, जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे लापरवाही प्रधान के ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा निर्देश से तुरंत गौशाला शुरू कराया जाए। छठवां बिंदु हमारा है, समस्त ग्राम सभाओं में प्रधानों द्वारा मशीनों से काम कराए जाने की शिकायतें निरंतर आ रही हैं। जो काम मनरेगा से कराए जाने के आदेश हैं, उन्हें भी मशीनों से कराकर पैसा निकाला जा रहा है, इसकी जांच कराकर विधिवत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सातवां बिंदु हमारा है, ब्लॉक सुमेरपुर के समस्त ग्राम सभाओं में कोटेदारों द्वारा राशन की कटौती किए जाने की शिकायतें निरंतर आ रही हैं तथा आज भी राशन कार्ड अपात्रों का भी बना हुआ है। अधिकारी कर्मचारी तथा कोटेदार की मिली भगत से जांच 3 सदस्यीय टीम कमेटी गठित जाए, जांच उपरांत विधिक कार्रवाई की जाए। बिंदुवा संघ 1 से 7 तक है, जांच की समय सीमा तय कर गई कार्रवाई की प्रति 8 दिन के भीतर संगठन को भी उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा संगठन बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही, देखते रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस।